हाय व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्लैशर एजुकेशन। सो गाइस साइकोलॉजी की थोड़ी बात करेंगे, यानी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या स्ट्रेटजीज जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि याददाश्त अगर कमज़ोर है या फिर मेमोरी इस काबिल नहीं है तो उनको इन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए हम लोग इनहांस यानी कि थोड़ा तेज़ या बेहतर बना सकते हैं। रिहर्सल, सपोज़ आप सुपरमार्केट या फिर मार्केट चले गए, ठीक है, आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक अंडे, दूध, दही, सब्ज़ी वगैरह और उसमें कुछ बिस्किट्स वगैरह या फिर मान लो एट्सेट्रा, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें और आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई, आप लोगों को याद कैसे रहेगी? वेल, हमारा दिमाग इतना काबिल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की गई है वो विद इन कुछ मिनट्स तक या कुछ सेकेंड्स तक उसको करेक्टली याद रख सके, यानी एक एक चीज़। सपोज़ आप लोगों को पहले लिस्ट सुना देगी 10 चीज़ों की, ठीक है, आपको एक दो मिनट तक तो वो चीज़ें नहीं भूलेंगे। अभी बेहतर क्या है, जो पहली स्ट्रेटजी है उसको कहते हैं रिहर्सल, यानी कि अभी पैदल जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, फ्री टाइम होता है आपके पास, आप कोशिश कीजिए करें कि उसको रिहर्सल यानी कि उसको रिहर्स किया करें बार बार, यानी कि बस फारिग बैठे हैं तो हाँ मुझे अंडे लाने थे, दूध भी लाना था, दही भी लाना था, सब्ज़ी कद्दू करेले कद्दू और टींडे भी लाने थे, जस्ट लाइक इस तरह से आप लोग उसको रिहर्सल कर सकते हैं बार बार। जिस तरह रिहर्सल करते जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो चीज़ जो आपको भूल जानी होती है आपको याद रहेगी। अभी रिहर्सल करने का बेस्ट तरीका ये होता है, कुछ होते हैं कि कहते हैं कि हम लोग अपने माइंड में उसको रिवाइज करें, माइंड में रिवाइज करने से ऐसे होता है कि अपने अंदर ही अंदर जब आप लोग बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कहीं भी डेविएट हो सकता है, यानी कहीं भी डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को आ सकते हैं। सपोज़ रास्ते में जी आप जा रहे हैं बाइक पे तो कोई बच्ची देख लिए, ठीक है, उधर ही आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और वैसे ही जब आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया आपके दिमाग से वो सारी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर होता है रिहर्स करें लेकिन बोल के करें, ठीक है, बोलने से ऐसा होगा कि आप लोग अपनी ही आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, और अपनी आवाज़ सुनने से क्या होगा कि वो चीज़ें जो है ना आपके माइंड में ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। उस दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं सामान लेने जगह वैसे सामान था कि 6-7 चीज़ों का, ठीक है, मैंने लिस्ट नहीं बनाई, मैंने सोचा कि मुझे याद रहेगी, वो ऐसे था कि मैं उसको माइंड में रिहर्स कर रहा था लेकिन माइंड में रिहर्स करने से ऐसे होगा मैं उसमें से 2 चीज़ें भूल आया था, ठीक है। तो अगर ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो रिहर्सल वाली ट्रिक स्ट्रेटजी जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। चंकिंग, अच्छा इसको मैं थोड़ा अलग अंदाज से समझाने की कोशिश करूँगा। चंकिंग, वेल चंक का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, यानी कि डिवाइड कर देना, ठीक है। सपोज़ ये बड़ा सा पत्थर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो ये इसके छोटे छोटे चंक्स बन गए, ठीक है। सपोज़ करें आप लोग किसी मॉल में, ठीक है, आपको जी कोई बच्ची पसंद आ गई, ठीक है, आपने क्या करना है, आपको चाहिए नंबर। मसला ये हो गया कि आपके पास ना पर्ची है, ना पेन है, ना मोबाइल है कि आप ही मन जा के अगर बात भी करते हैं तो उसे के फटाफट मोबाइल में मेरा अपना नंबर लिखते, ठीक है, वो भी अगर सियानी निकले एटीट्यूड दिखाने के लिए आपके पास से गुजर दस्ती थी, सॉरी जल्दी से आप नंबर बोल के चले जाए। अभी आपका माइंड इतना वाकई शार्प होता है कि वो कुछ देर के लिए वो जो नंबर्स हैं ना उनको आपके माइंड में रख सकते हैं, यानी कि एक दो मिनट के लिए। अगर आप लोग उसको फिर रिहर्सल वाली ट्रिक यानी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर याद रहेगी, लेकिन अगर आप लोग उसको मतलब कि नहीं रिवाइज करें, नहीं रिहर्स करें तो वो चीज़ आपको भूल जाएगी। और उसके लिए बेहतर तरीका होता है आप लोग उसको चंक्स में डिवाइड करें। सपोज़ वो नंबर बोल के चली गई है, ये नंबर चले उसने बोला, अभी देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इवन मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि इसमें है कितने। अगर इसी नंबर को मैं छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, 0879542 36। अभी देखने में जी मुझे फटाफट पता चल गया कि टोटल 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, और इनको मेमोराइज़ करने में या फिर ज़्यादा देर के लिए याद रखने में मुझे ज़्यादा आसानी होगी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अपनी गैदरिंग यानी अपनी सराउंडिंग से आप लोग अक्वायर कर रहे हैं उसको आप लोग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया करें, फिर वो छोटे छोटे चंक्स जो है ना आपके ब्रेन स्टोरेज में यानी कि हम जो माइंड का स्टोरेज है उसमें ज़्यादा देर के लिए कैप्चर हो जाते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी है नेमोनिक डिवाइसेस। वेल मैं इसको मेनेमोनिक पढ़ा था पर मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक की, ये नेमोनिक है, एम साइलेंट होता है पहले वाला। नेमोनिक डिवाइसेस, नेमोनिक डिवाइसेस होता है कि आप लोग अपने जो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग चाहते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहे उसके लिए आप लोग छोटे छोटे पैटर्न्स बना देते हैं। जैसे एक बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न मैं देख रहा था सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के, अभी जो सोलर सिस्टम में हमें पता है जितने प्लैनेट हैं उसके चले मुझे नाम भी आ गए, ठीक है, लेकिन उनकी तरतीब अभी हमें कहा गया कि एक ना कंप्लीट जो तरतीब है उसकी वैसे उसके नाम लिखने हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, मैंने उसका एक पैटर्न बना दिया। अभी पैटर्न जो है वो ये है, मिस्टर वैम जे सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अभी मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होती थी इन दो में, यूरेनस और नेपच्यून। मैं इनके जो मतलब ऑर्डर है ना, इनको हमेशा आगे पीछे कर देता था। समटाइम्स ठीक होता, समटाइम्स मैं नेपच्यून को पहले कर देता था। तो अगर आप लोग इसका एक पैटर्न बना देंगे, अभी जैसे मुझे पैटर्न अभी ये याद है, ठीक है, अगर मुझे कोई पूछ लेता तो मैं इस पैटर्न को रिकॉल करूँगा, एक दफ़ा रिहर्स करूँगा, ठीक है। और चंक्स तो इसके पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके एक नेमोनिक डिवाइस, यानी कि जो आपकी जो एफर्ट है उसको रिड्यूस कर देगा, उसको डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवाइस के तौर पे काम करेगा, जिसका मैंने एक स्पेशल पैटर्न बना दिया। अभी वो पैटर्न जो है मुझे रिकॉल करने में मदद करेगा कि इनकी आखिर तरतीब, मुझे नाम तो चलो पहले से आते हैं, ठीक है, तो मुझे रिकॉल करने में मदद करेगा कि इनकी ये तरतीब थी, कि इस तरह से मैं इनको बोलूँगा तो ये इनकी जो ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर, वो ठीक रहेंगे। चलिए इसके मिसाल लगा लेते हैं उससे, हम जो हम कहते हैं कि 31st का मंथ कौन सा होगा या फिर 30th मंथ कौन सा होगा, यानी डेट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ऊपर वाली, इसको हम लोग कहते हैं कि ये 31st का मंथ होगा, और ये जो सेंटर में या बीच में चीज़ आती है नोट्स टाइप, इनको हम लोग कहते हैं कि ये वाला 30th मंथ होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, यानी कि जनवरी हो गया वो 31st का, ये वाला 28th फरवरी, फिर उसके बाद जो मार्च है वो हो गया 31st, अप्रैल 30 का हो गया। यानी कि इस तरह से आप लोग जब पैटर्न्स बना लेते हैं तो वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होती हैं निमोनिक डिवाइसेस, ये स्ट्रेटजीज जो हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स ही ज़्यादा ये वीडियो देख रहे होंगे कि मेमोरीज को किस तरह से इनहांस एंड इंक्रीज़ किया जा सकता है। अभी जैसे लाइक काफ़ी ना, सपोज एक टॉपिक है या फिर एक मजमून ऐसे लगा लें, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स होते हैं। अभी हेडिंग्स याद रखने में अगर आप लोगों को मुश्किल आ रही है तो हर एक हेडिंग का जो पहला लेटर है ना वो कैप्चर कर ले, जैसे मैंने इसमें किया। हर एक हेडिंग का पहला लेटर कैप्चर करें, उसको एक तरतीब से या फिर जो अंदाज़ आप लोगों को बेहतर लगता है उसमें उसको अटैच करें या असेंबल कर दें, ठीक है। तो फिर वो एक वर्ड बन जाएगा जो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहेगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो जो आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। थैंक यू।